रविंद्र जडेजा पर बीच मैदान पर भड़के रोहित शर्मा कप्तान की बात नहीं मान रहे थे जडेजा फिर रोहित को आया गुस्सा रोहित ने सुना दी और दे दी गलियां वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 33 भारत बनाम श्रीलंका के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपना जलवा बिखेरा और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की हालांकि भारत की ओर से कोई भी बल्लेबाज शतकीय पारी नहीं खेल सका पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने उनचास ओवर तक शानदार खेल दिखाया लेकिन आखिरी ओवर में टीम अधिक रन बनाने में नाकाम साबित हुई सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ जिसमें रोहित शर्मा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर जमकर भड़क उठे दरअसल भारतीय टीम उनचास ओवर में तीन रन बना चुकी थी रविंद्र जडेजा इक्कीस गेंद में तैंतीस रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे इस दौरान रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम से जडेजा को इशारा करते हैं और उन्हें छह बॉल खुद खेलने के लिए बोलते हैं हालांकि जडेजा ने रोहित की बातों को नजरअंदाज कर दिया और दूसरी ही गेंद पर एक रन लेकर मोहम्मद शमी को स्ट्राइक दे दी इसके बाद रोहित शर्मा जडेजा को पवेलियन से ही खरी खोटी सुना देते हैं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है नंबर सात पर बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया के लिए अहम योगदान निभाया उन्होंने चौबीस गेंद में पैंतीस रनों की शानदार पारी खेली इस पारी में एक छक्का और एक चौका शामिल है